नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ इंडिया वीएस बांग्लादेश के बीच में होने वाली ओडीआई सीरीज के दूसरे मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच 7 दिसंबर 2022 को शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपेरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम, लिटन दास, अनमल हुक, नजमल हसन, सांतो, साकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहीमन के बैट्समैन, मोहम्मदुल्ला, आफिफ हुसैन, मेहंदी हसन इनके ऑलराउंडर प्लेयर, मुस्तफिजुर रहमान, असन महमूद, अहबाद हुसैन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों लिटन दास ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, साथ में दोस्तों साकिब अल हसन ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। दोस्तों 5 विकेट निकाले थे, साथ में यार एकबोट हुसैन ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, 8 ओवर में 47 रन देकर 4 विकेट निकाले थे। बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम इंडिया के बारे में। दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल इनके बैट्समैन है, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, दीपक चार, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप सैन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों रोहित शर्मा ने 27 रन की पारी खेली थी, साथ में यार श्रेयस अय्यर ने भी 24 रन बनाए थे और दोस्तों केएल राहुल ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, दोस्तों 73 रन बनाए थे। बाकी दोस्तों किसी भी बल्लेबाज द्वारा खास परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं था। और दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 36 मैच खेले गए, जिनमें से इंडिया ने 31 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि यार बांग्लादेश ने 5 मैच जीते। दोस्तों टीम इंडिया अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 3 मैचों में जीत करा रहे हैं, जबकि 2 मैचों में हार करा रहे हैं, और बांग्लादेश भी अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 3 मैचों में जीत करा रहे हैं, जबकि यार 2 मैचों में हार करा रहे हैं। देखो यार यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में दोस्तों फैंटेसी टीम के लिए और ठोस की प्रेडिक्शन जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैसे भी दोस्तों फैंटेसी टीम और ठोस की प्रेडिक्शन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। दोस्तों यह मैच शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा, पर जो भी टीम ठोस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यार यहाँ पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 112 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 53 मैच जीते हैं, जबकि यार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 69 मैच जीते हैं। यहाँ पर एक भी मैच टाई नहीं हुआ, यहाँ का एवरेज स्कोर 229 रन का है, जबकि यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 370 रन पर 4 विकेट का है, जो कि दोस्तों इंडिया का ही है, और यहाँ का लोएस्ट स्कोर 58 रन पर 10 विकेट का है, जो कि दोस्तों बांग्लादेश का है। और यहाँ का स्कोर पैटर्न है 200 के नीचे 31 बार, 200 से 249 के बीच में 38 बार, 250 से 299 के बीच में 31 बार, और दोस्तों 300+ यहाँ पर 12 बार स्कोर बना है। दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया ने भी 10+ मैच खेले हैं, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के 46% जीतने के चांसेज रहते हैं, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम के यहाँ पर 54% जीतने के चांसेज रहते हैं। यहाँ पर फास्ट बॉलरों को 60% विकेट मिलते हैं, जबकि स्पिनर बॉलरों को यहाँ पर 40% विकेट देखने को मिलते हैं। यहाँ का वेदर क्लियर रहेगा, यहाँ पर बरसात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और दोस्तों आज की हमारी फैंटेसी टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आएगी, क्योंकि यार आपको पता है यार काफी कुछ चेंज देखने को मिल सकता है प्लेइंग 11 में, और दोस्तों पिछला मैच हुआ उसके हिसाब से तो और भी कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, इसलिए दोस्तों फैंटेसी टीम तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा, और दोस्तों ठोस की प्रिडिक्शन भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा। अगर दोस्तों हमारी मैच प्रिडिक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी तो हम टेलीग्राम चैनल पर ही बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों बात करते हैं यार मैच प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और दोनों टीमें काफी अच्छी कंडीशन में भी दिख रही है। और दोस्तों अगर बात की जाए गूगल की प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों बांग्लादेश का होम ग्राउंड है, इसलिए दोस्तों गूगल की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बांग्लादेश इस मैच को 48% जीत सकती है, जबकि 52% इस मैच को टीम इंडिया जीत सकती है। लेकिन यार अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को टीम इंडिया जीत सकती है। दोस्तों आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। साथ में यार अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।